बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद ही बड़ी खबर ये मुंबई से आ रही है, जहां एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है गोली मारकर। मुंबई के बांद्रा इलाके में उन्हें गोली मारी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुंबई के बांद्रा इलाके में बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई है। गोली लगने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट पर गोलियां लगी थी। आपको बता दें, हमलावरों ने छह राउंड फायर किया था, जिसमें से तीन गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी। गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी लीलावती अस्पताल में भर्ती थे। उनके सीने और पेट पे तीन गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, कल रात का यह मामला है। बाबा सिद्दीकी को अज्ञात हमलावरों ने मारी थी तीन गोलियां। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो महाराष्ट्र से आ रही है। हमलावरों ने बेटे जीशान के दफ्तर के से बाहर निकलते समय बाबा सिद्दीकी को गोली मारी है। आपको बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है, बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारी गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारी गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता हैं बाबा सिद्दीकी। आपको बता दें, बड़ी खबर जो आ रही है, बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट में गोलियां लगी थी, जिससे उनकी मौत हुई। आपको बता दें, लीलावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। गोली लगने के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती थे बाबा सिद्दीकी, जिसके बाद उनकी अस्पताल में ही रात मौत हो चुकी है। आपको बता दें, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हमलावरों ने छह राउंड फायर किया था, जिसमें से तीन गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी हैं। दो गोली पेट में और एक गोली उनके सीने में लगी थी, जबकि एक गोली उनके कान को भी छूकर निकली थी। आपको बता दें, सीने और पेट में जो गोलियां लगी, इसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब मुंबई एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, पुलिस ने तीन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारी गई है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी को तीन अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों ने उनके बेटे जीशान के दफ्तर से निकलते वक्त गोली मारी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त हमलावरों ने गोली उन पर चला दी और बाबा सिद्दीकी इस हमले में घायल हो गए। लीलावती अस्पताल में उनकी मौत हो गई।